मुख्यमंत्री आज झारखंडियों को दे रहे हैं मुख्यमंत्री की योजना का नाम है सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, यानी हमारी मायरा मासीरा काकीरा के मुख्यमंत्री साड़ी दिच्छे और हमारे काकारा मामारा मोसारा के धोती दिच्छे, क्योंकि हमें धोती साड़ी की दरकार है नहीं। यदि मुख्यमंत्री जामताड़ा कभी आए और यदि वो बोले कि हम आपके लिए धोती साड़ी लेके आए हैं, बोलेगा आपको धोती का ढीक लगाएंगे। आप बताइए मास्टर का नौकरी किधर है? नहीं चाहिए हमको धोती साड़ी मुख्यमंत्री साहब? अरे आप आदिवासी होंगे, आदिवासी को बेवकूफ बना रहे हैं तो बाहरी लोग तो बनाएगा ही ना। आप एक संथाली बेटा होके बाकी संथाली लोग को बेवकूफ बना रहे हैं, मूलवासी को बेवकूफ बना रहे हैं, तो यूपी बिहार बंगाल वाला बनाएगा कि नहीं बनाएगा? देखिए मुख्यमंत्री कैसे मौका बनाए। अभी 2 महीना पहले दीदी लोग, क्योंकि आप लोग थोड़ा कम घूमते फिरते हैं, इन लोग जानता है, उनके पास मोबाइल है, आप लोग जितने भी महिला लोग दीदी लोग आए हैं सुनिए, 2 महीना पहले यहाँ एक बहाली आया, बहाली समझते हैं ना, सरकारी नौकरी मास्टर का बहाली था जिसमें 3600 मास्टर बने, 3600 समझ रहे ना आप लोग, पूरी समझते ना कोरी, तो 180 कोरी, 3600 कोरी में डिवीजन बांटेंगे, 180 कोरी मास्टर का बहाली था। मान के चलिए अगर उसको हम जिला वाइज बांटते हैं तो हमारे पास 24 जिला है, यानी 3600 को डिवाइड करते हैं 24 से तो एक जिला को कितना मिला? 150। यानी जामताड़ा जिला को नौकरी मिला था मास्टर का 150। अब जामताड़ा में भी 6 ब्लॉक है, हम ब्लॉक तक बांट सकते हैं, 6 ब्लॉक है जामताड़ा में, 6 ब्लॉक है, यानी हम 150 को फिर से भाग देंगे 6 से, कितना निकलेगा? 25। यानी जामताड़ा का हरेक ब्लॉक में कम से कम 25 को मास्टर होना चाहिए। ये फतेहपुर ब्लॉक है क्या 25 को मास्टर बना? नहीं, 25 को मास्टर बना यहाँ, तो यही तो मौका बनाए, बोले ना कि मुख्यमंत्री हमारे हो कि हमको मौका बना रहे हैं। नौकरी किसको दिया पता है? यूपी बिहार एमपी बंगाल वालों को दिया। उनका आज के डेट में पेमेंट है 60,000 से 70,000, 2 से 3 साल बाद उनका तनख्वाह होगा 1 लाख। 1 लाख समझ रहे ना, हम लोग शायद एक मुफ्त में 1 लाख देखे भी नहीं होंगे, हम लोग हार्डली 1,000 2,000 जानते हैं, यानी 1 लाख महीना होगा मास्टर का। वो नौकरी किसका था? हमारा और आपका था। मुख्यमंत्री दे दे यूपी बिहार वालों को और आपको बोलते हैं धोती साड़ी लेंगे। बताइए क्या सही किया उन्होंने? इसीलिए हमने कहा कि शासन की चूक है, जो लोग शासन में है, जो लोग सत्ता में है, वो हमारे राज्य को नेशना नाबूद करना चाहते हैं। जब फंस जाए तो बोलते हैं आदिवासी का बेटा है, और अच्छा बात है आदिवासी का बेटा है, इसीलिए तो आपको मुख्यमंत्री बनाए थे, तो आदिवासी का काम क्यों नहीं हो रहा? आज आदिवासी की लाखों एकड़ जमीन बाहर के लोग कब्जे में ले रहे हैं, सीएनटी की जमीन, एसपीटी की जमीन बाहर के लोगों को बेचा जा रहा है, तब कह नहीं बोल रहे हैं कि आदिवासी की जमीन तुम बेचने वाले कौन हो? आप तब कलेक्टर को शोकाज क्यों नहीं कर रहे हैं जब फंस रहे हैं आदिवासी का बेटा? अब आता है प्रशासन। प्रशासन का मतलब DC SP, जैसे यहाँ बड़ा बाबू भी आए हैं, थाना प्रभारी आए हैं, धन्यवाद आपका, आपकी पुलिस टीम का धन्यवाद। यानी शासन के बाद आता है प्रशासन, आपको जानकारी होना चाहिए। अभी यदि हम वीडियो के पास जाए तो हमको डर के बात करना पड़ता है, थाना प्रभारी अगर हमको बुलाए तो हमको डर के बात करना पड़ता है, ऐसा ही होता है ना? हमको डर लगता है, जब भी हम थाना जाए हमको डर लगता है, हम ब्लॉक में जाए तो हमको डर लगता है, एसपी डीसी तो दूर की बात है, यानी ये प्रशासनिक व्यवस्था है। आपको याद होगा महाराष्ट्र में एक ऑटो ड्राइवर समझते हैं ना, तुम्हारा समय भूलते पारी ना, ऑटो ड्राइवर रिक्शा चलाएगा, रिक्शा टेम्पो, एक ऑटो ड्राइवर ने महाराष्ट्र के एक जिला के एसपी से कहा था कि एसपी साहब, डू यू नो मराठी? इफ यू डोंट नो मराठी, रन अवे फ्रॉम माय स्टेट। एक मामूली टेम्पो ड्राइवर ने, हम तो थाना प्रभारी को देखते हैं और थर थर कांपने लगते हैं, हम वीडियो साहब को देखते हैं और थर थर कांपने लगते हैं, एक मामूली टेम्पो ड्राइवर ने एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी एक जिला के पुलिस के मालिक को कहा, क्या कहा?
लाठी नहीं जानते या घास मिल जाए क्या? यह हिम्मत हमारे झारखंडी में होना चाहिए, क्योंकि झारखंडी एसपीडीसी के बाप के बलिदान से नहीं बना है, आपके बाप दादाओं के बलिदान से बना है। झारखंड किसी पीढ़ी ओसियों के बाप दादाओं के बलिदान से नहीं बना है, लेकिन जामताड़ा के लोगों के बाप दादाओं के बलिदान से बना है। जय झारखंड। इसीलिए लड़ाई है कि राज्य हमारा है, ये राज्य हमारा है, तो यहां बाहर के लोगों का कब्जा क्यों रहेगा? यही लड़ाई है कि ये राज्य हमारा है और ये राज्य हमें फ्री में नहीं मिला है।